दीनदयाल जी मूलगामी चिंतक, मूलगामी विचार को प्रस्तुत करने वाले एक विचारक, राष्ट्र गौरव को जागृत करने का काम उन्होंने किया। दीनदयाल जी का जीवन का काल देखे तो बहुत छोटा था, मगर वो व्यक्ति संघ के प्रचारक के नाते काम करते करते देश काल और समाज जीवन के इतनी सारी समस्याओं का निराकरण अपने अल्प समय में बताकर गया है कि मैं मानता हूं कि आज की कोई भी समस्या का अगर समाधान चाहते हैं तो दीनदयाल जी को पढ़ लीजिए, वहीं से वो समाधान हमें आसानी से मिल जाता है। जियो कल्चर राष्ट्र की कल्पना, भू सांस्कृतिक राष्ट्र की कल्पना पहली बार रवि ने का काम किया है तो दीनदयाल उपाध्याय। संगठन का भी दायित्व उनके सर पर रहा, संगठन मंत्री बने, महामंत्री बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उन्होंने जनसंघ की कार्यप्रणाली की जो नींव डालने का काम दीनदयाल जी ने किया, आज भी उसी नींव पर ये भारतीय जनता पार्टी का भव्य भवन खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। अब देश सलामत हाथों में है, एक ऐसी विचारधारा के आधार पर जीने वाले कार्यकर्ताओं के हाथ में है जिनका मूल चिंतन भारत की जमीन से उत्पन्न हुआ है, इस देश की मिट्टी की सुगंध के आधार पर इस देश की नीतियां बन रही है। तेजी से परिवर्तन आने वाला है, आश्चर्यचकित हो जाए पूरी दुनिया इस तरह से परिवर्तन आने वाला है। वो परिवर्तन का आधार एकात्म मानव दर्शन है, दीनदयाल जी का चिंतन है, इसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ये भारत माता को विश्व गुरु के दैदीप्यमान स्थान पर विराजित करने के लिए दिन रात प्रयत्न कर